राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार का शोर 11 नवंबर की शाम 5 बजे थम जाएगा। अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इन 7 सीटों पर नेताओं के सतरंगी नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। कोई डांस पर सियासत में चांस मारना चाहता है तो कोई कमंडल लेकर वोट मांग रहा है। संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट देखिए। चुनाव में डोटासरा, किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट के ठुमका प्रचार के बाद गाना प्रचार भी चर्चाओं में आ गया है। दरअसल रामगढ़ सीट पर प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान के समर्थन में दोहोली गांव में सभा करने पहुंचे। यहां अपने चुनावी भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष अलग अंदाज में नजर आए। टीकाराम जूली ने मंच से गाना गाकर आर्यन को जिताने की अपील की। सुनिए किस तरह से टीकाराम जूली ने गाना गाकर वोट करने की अपील करते हुए आर्यन की जीत का दावा किया। तुम हारो जूली, तुम सबको जूली, तुम हारे वजन लाल, तुम सबके वजन लाल, तुम हारो आर्यन, तुम सबको आर्यन जीतेगा। इसी रामगढ़ सीट पर कांग्रेस की सांसद संजना जाटव पार्टी प्रत्याशी आर्यन खान के लिए अनोखी अंदाज में वोट मांग रही हैं। सांसद क्षेत्र में झोली फैलाकर कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रही हैं, तो कभी ठुमका भी मार रही हैं। दौसा सीट पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगाए हुए हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल वोटरों को लुभाने के लिए वोट भिक्षाम देही का बैनर लेकर मैदान में घूम रहे हैं। इस उपचुनाव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी चुनाव में अपने चिर परिचित अंदाज में वोट मांगते हुए नजर आ रही हैं। रैलियों में लोगों की डिमांड पर डोटासरा गमछा के साथ डांस कर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है और विकास के नाम पर वोट करती है। अब इस उपचुनाव में जनता किन मुद्दों को देखकर वोट करती है, ये तो नतीजों के बाद ही साफ होगा। फूल के मले में भी जो करोड़ियाँ।